रखा जो कि पास हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रही है, तो बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से जुड़ी। आज की सबसे बड़ी खबर, विधानसभा में सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है, विधानसभा में यूसीसी बिल पर चर्चा जारी है। हमारी सरकार जिम्मेदार है, ऐसा सीएम धामी का कहना है। विधानसभा पे है और ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर लीडर, हमारे नेता को सारा श्रेय इस बात का जाता है। तो मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को एक बार पुनः इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य आदेश चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ये निश्चित रूप से सुबह से जैसे सभी माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, तो अजित राठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजित, विधानसभा में कार्रवाई लगातार जारी है और सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर बिल पेश किया है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय विधेयक पर चर्चा चल रही है और सदन चल रहा है, सदन की कार्रवाई गतिमान है और लीडर अपोजिशन बोल चुके हैं। लीडर अपोजिशन यशपाल आर्य ने बोलते हुए बहुत स्पष्ट कहा है कि इस कानून को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कम समय मिला है और या समय बढ़ाया, अन्यथा इस पूरे के पूरे विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए। लेकिन सरकार बिल्कुल पूरी तरह से अपनी फील्डिंग एकदम जमाए हुए है, ट्रेजरी से अलर्ट है और ये इस पर आज चर्चा होगी और ये चर्चा ऐसी संभावना जताई जा रही है कल, और यूसीसी की जो का जो विधेयक है कल पारित होने की उम्मीद। फिलहाल सदन चल रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के सदस्य, दोनों ही तरफ के विधायक इस पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई संशोधन प्रस्ताव ला रहा है, कोई उसकी खामियां, मतलब बहुत सारी ऐसी वृद्ध चीजें अंदर सदन के भीतर चल रही है जो बाहर नहीं देखी जा सकती। तो सदस्यों ने 2 बजे तक उसका और अध्ययन करने के बाद अब सदन में कार्रवाई गतिमान है और अंदर उसी कानून के निर्माण के गतिमान है जिसको लेकर के कमेटी बनाई गई थी। पौने 2 साल तक उस कमेटी ने अपना काम किया और पिछले दिनों वो 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंप और कल कैबिनेट में, परसों कैबिनेट इसको अपना मंजूरी देने के बाद पटल पर रखा है। तो विधेयक पटल पर आने के बाद अब वो काम हो रहा है जो कानून निर्माण का काम होता है, कानून बनाने का काम होता है, सदन चल रहा है। और लेकिन जरूर इस बात को लेकर के विपक्ष जरूर अड़ा हुआ है कि समय मिलना चाहिए, सत्र का समय बढ़ाया जाना चाहिए, सत्र का समय बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की उनकी सरकार ने जो रणनीति बनाई तो उसी हिसाब से ये सत्र आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि कल यूसीसी पास हो जाएगा। यूसीसी के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में जो क्षतिज आरक्षण दिया गया 10%, वो विधेयक भी पास हो जाएगा। तो दोनों विधेयक कल पास हो जाएंगे और फिर इनको राजभवन भेज दिया जाएगा। जी अजीत, जब ये बिल पेश किया गया उस दौरान सदन में काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली। बिल्कुल, जब ये सुबह मुख्यमंत्री ने टेबल्ड किया तो उस समय ये था कि जो सत्ता पक्ष के विधायक थे उन्होंने जय श्री राम और वंदे मातरम और भारत माता की जय नारे लगाने शुरू कर दिए सदन के भीतर। इस बात को लेकर जो विपक्ष था, समूचा विपक्ष जो है इस बात से उखड़ गया और उन्होंने स्पीकर के समक्ष ये आपत्ति जताई कि ये सदन है और यहां पर इस तरह की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। जब वो बोलते हैं तो स्पीकर की तरफ से कहा जाता है कि आप अनुशासन में रहिए, लेकिन यहां नारेबाजी हो रही है और सरकार के जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो सब इस तरह नारे लगा रहे, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। अजीत, अगर हम देखें कई प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है, तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि उत्तराखंड ने आगे बाकी राज्यों के लिए यूसीसी को लेकर मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया है? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के, यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा दबाव भाजपा शासित राज्यों पर रहेगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का एक प्रयोग था जो उत्तराखंड में हुआ और इस प्रयोग के सफल होने के बाद, और ऐसा कोई विरोध भी कहीं नहीं हो रहा है, ना पब्लिक में हो रहा है, ना पॉलिटिकल कॉरिडोर में हो रहा है, बहुत सहज और साधारण तरीके से ये असाधारण बिल पास हो जाएगा कल। और इसको लेकर के फिर जो भाजपा के दूसरे, भाजपा गवर्न वाले जो राज्य हैं वहां पर ये प्रेशर बढ़ेगा और चूंकि जिस तरह से, लेकिन एक चीज इसमें और बहुत सारी मतलब महत्वपूर्ण आ रही है
है कि जनजाति को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो कांग्रेस इस बात को उठा रही है, अगर आप इस कानून को महिला सशक्तिकरण बिल के हिसाब से देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के हिसाब से देख रहे हैं कि महिलाओं को एम्पावरमेंट मिलेगी, उनका स्ट्रेंथन होगा, उनको विरासत में हिस्सा मिलेगा, तो अगर महिला सेंट्रिक आप ये बिल बता रहे हैं कि कानून बनेगा, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, तो जनजाति की महिलाओं की स्थिति क्यों नहीं सुधरनी चाहिए? नेता प्रतिपक्ष जयसपाल आर्य ने यही सवाल सदन में किया है कि आप एक तरफ महिलाओं का के स्वभाव में, उनके कैरियर में, उनकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनजाति की महिलाओं को आप छोड़ रहे हैं, यानी आप भेदभाव कर रहे हैं, तो ये समान नागरिक संहिता नहीं हो सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसमें अपना अलग दावा है। मुख्यमंत्री का खुद ही कहना है कि चूंकि संविधान में ऐसी कुछ चीजें दी गई है जिनसे जनजाति को एग्जम्प्ट रखा गया है, तो पहले संविधान में संशोधन होगा तभी जनजाति इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन इसी बीच में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हम भी लागू करेंगे लेकिन हम आदिवासी और जनजाति को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो वहां तो काफी बहुतायत में जनजातियां हैं, यहां तो 40% हैं। तो हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी का कोई एक वोट का एक जो पॉलिटिकल एम होता है उसका हिस्सा हो। बिल्कुल, अगर हम देखें अजीत तो कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कुछ लोगों का कहना है कि एक वर्ग विशेष को टारगेट करता हुआ ये बिल लाया गया है। हालांकि अभी हमने खबर भी देखी है कि शाजिया नाम की एक महिला थी जिसने इस बिल का समर्थन किया और कहा कि ये बहुत ही अच्छा है और खुद वो 3 तलाक से पीड़ित बताई जा रही है। ऐसे कई मुस्लिम और मौलाना और मौलवी हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और ऐसा कोई बहुत बड़ा विरोध मुस्लिमों की तरफ से यहां सड़क पर या कहीं सदन के बाहर धरना प्रदर्शन इस तरह से कहीं बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज देखने को भी नहीं मिली है। पहले ही दिन से जिस दिन यूसीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उस दिन से जितने भी धर्मावलंबी हैं मुस्लिम समुदाय के, मौलवी हैं, मौलाना है, उलेमा है, वो सब इसकी तारीफ ही कर रहे हैं एक तरह से, तो वो इसको सपोर्ट करते दिख रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि जो दकियानुसी सोच है ये खत्म होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने भी कल आग्रह किया था कि विपक्ष के विधायकों से आग्रह है कि वो इस बिल के सपोर्ट में रहें और सहयोग करें और किस तरह का विरोध ना करें। और मुझे लगता है कांग्रेस की एक ही अपनी डिप्लोमेसी थी, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए विरोध नहीं किया, उनको लगता था कि इनका विरोध नहीं करना चाहिए। तो यहां कांग्रेस का एजेंडा आज बिल्कुल दूसरी तरह का था, वो लॉ एंड ऑर्डर, आपदा प्रबंधन, अंकिता भंडारी हत्याकांड और तो इन सब मामलों पर शोर शराबा कर रही थी। यूसीसी के विरोध में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केवल उनका एक सवाल था पूरे विपक्ष का कि इस पर सरकार को समय देना चाहिए नहीं तो सत्र लंबा चलाना चाहिए ताकि लंबी चर्चा हो सके। जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत। तो बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री मदन कौशिक ने यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि यह ऐतिहासिक है। कांग्रेस इस चीज का जवाब शायद नहीं दे पाई कि यूसीसी लागू करने के पीछे कारण सबसे बड़ा क्या है कि देखिए वही कांग्रेस थी, एक साहवानो केस में छोटा सा मैटर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आपने संविधान में संशोधन करके उस निर्णय को दबा दिया था, उस निर्णय को समाप्त कर दिया था। आप यूसीसी का आप कहां से पक्षधर होंगे? और मैंने तो कहा है कि अगर आप पक्षधर हैं तो आप बड़े मन के साथ कल खड़े होकर कहिए सर्वसम्मति से हम लोग इसको पास करते हैं, पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश किया गया जिसको लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है, सुनिए। और इस सरकार के इस बिल का समर्थन करना चाहिए जो महिलाओं को आज तक देश की आजादी के बाद सम्मान नहीं मिला, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों चाहे वो अन्य जाति की महिलाएं हों, उन महिलाओं को कुछ कानूनों के अंतर्गत उनका उत्पीड़न किया गया, उनकी हिंसा हुई, उनको लगातार अपमानित करने का प्रयास किया गया, किसी महिला की 6 महीने साल भर के बाद शादी होने के बाद और दूसरी शादी कोई व्यक्ति करता उस महिला के दिल से पूछो कि उसका घर बसने से पहले बिगड़ जाता था। आज उस पर अगर विचार किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, एक समान एक नागरिकता एक समान कानून ला करके हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर दिया गया है और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। वो उत्तरांचल सरकार का है और उत्तरांचल सरकार ने क्या लाया है क्यों लाया है ये उसको विचार करना चाहिए, लेकिन हमारा मानना है कि भारत सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो उन्हें हर जात पंथ धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि किसी भावनाओं को आहत हो।
अभी तक अभी सदन में रखा गया होगा, पर अभी हम लोग के सामने वो बिल नहीं आया है, हम इंतजार कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि उसको हम पढ़ें और तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील और एक महत्वपूर्ण विषय है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने के बाद यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इसकी सराहना की, प्रतिक्रिया दी, सुनिए। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश हो चुका है और इस वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। सर, देखा जाए तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून बनाने जा रहा है। जो विधेयक है, जो बिल है, वो सदन में पेश हो चुका है। क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं, जिन्होंने यूसीसी बिल को अपनी कैबिनेट से पास करा के देश में एक नई पहल, नई शुरुआत की है। निसंदेह यूसीसी बिल उत्तराखंड में आने से देश में और प्रदेश में भी संभावनाएं बढ़ेंगी और जो एक रूपता लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर आ रही है, यूसीसी के माध्यम से उस एक रूपता को और बल मिलने वाला है। सर, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर समान नागरिक संहिता की बात हो, यह सबसे ऊपर रहा है। दो एजेंडे आपके पूरे हो गए तो माना जाए कि अब उत्तराखंड के बाद जो बाकी के बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर भी इसकी शुरुआत करेंगे और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। मुद्दा बहुत बड़ा है, एजेंडे का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड ने एक शुरुआत करके कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे दिया है कि देश में भी और प्रदेशों में भी यूसीसी को लागू किया जाना बहुत जरूरी है। वीडियो जनता बगाड़ा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है और स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड की विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा हो गई है जिसमें इस तरीके का बिल पेश किया गया, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। हम तो सबको बराबरी का हक दे रहे हैं, इसमें हक देने की बात है, लेने की बात कहां से आ गई? अगर एक सा शादी का अधिकार होगा, एक सा अगर आपको अपने शिक्षण का, एक सा नागरिकता का, एक सा आपको अपने देश के प्रति सेवा करने का कोई अधिकार दे रहा है तो एक भाव है, समभाव। इसमें दुराव कहां है? इसमें दुष्प्रभाव भी नहीं है, एक सा भाव है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं धामी जी। अगर नाबालिग बच्चों की शादी हो रही है तो ये नाबालिग बच्चों के अधिकारों का हनन है। हम उन बच्चों को बालिग अवस्था में उनका विवाह उसका अधिकार दे रहे हैं, कहां छीन रहे हैं? बहुपत्नी का विवाह जो होता है उससे चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसमें जो बहने हैं जो विवाह करके जाती उनका अधिकार छीनता है, हम उनको अधिकार दे रहे हैं? ये यूसीसी अधिकार देने वाला प्रस्ताव है, अधिकार लेने वाला प्रस्ताव नहीं है। मैं पूछता हूँ कि जरूरत क्या है? 76 साल से देश नहीं चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको करना है हिंदू मुसलमान, आपको करना है सियासत तो राजनीति के लिए ये सब चीजें इसलिए अच्छी नहीं है कि इससे देश कमजोर होता है, हमारा प्यार मोहब्बत कमी आती है, तो बड़ी कम्युनिटीज के बीच में फासले पैदा होते हैं। हिंदू भाई भी तो हमारे साथ ही, हिंदू भाइयों ने तो कोई शिकायत नहीं करी। आप सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी यूसीसी बिल की सराहना की है, क्या कुछ कहा सुनिए। जब यूनिफॉर्म कितनी अच्छी होती है उसमें गरीब अमीर बच्चा नहीं पता चलता है ना। पुलिस की वर्दी का कपड़ा एक होता है, सिपाही से के रंग एक होता है, डीजीपी जी उसे तारे उतारे बदल जाते हैं, किसी के दो स्टार, किसी के तीन, किसी के शो, किसी के तलवार, लेकिन यूनिफॉर्म। विद्यालयों में अगर यूनिफॉर्म ना हो तो सोचिए गरीब अमीर लोग तो ब्रांडेड कपड़े पहन करके आए हैं, गरीब के बच्चे तो यूनिफॉर्म किसी दे सब संविधान और कानून से चलेगा। जब आईपीसी समान है, सीआरपीसी समान है, सीपीसी समान है, लैंड लॉ समान है, पुलिस रेगुलेशन समान है, एविडेंस एक्ट समान है, तो ये चीजें भी समान ही होनी चाहिए। और इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं कि लोकसभा की पूर्व संध्या पर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए और मुसलमानों का ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं, उस प्रकार के बयान देके वो देश की एकता अखंडता को कमजोर करते हैं और विकास को कहीं ना कहीं बाधित करते हैं।
उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश हो गया, इसको लेकर आगरा के लोगों का क्या कहना है सुनिए। उत्तराखंड सरकार के लिए आज ऐतिहासिक दिन तब बन गया जब उसने आज विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश किया। इस बिल को पेश जैसे ही विधानसभा में किया, वैसे ही जय श्री राम के नारे विधानसभा में गूंजने लगे। उत्तराखंड के लोग खुश हैं, उत्तर प्रदेश के लोग क्या कुछ कहते हैं ये जानने के लिए हम इस समय आगरा में मौजूद हूं और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी बिल को लेकर इनकी क्या सोच है और क्या कुछ कहना है। सर शुरुआत कर देते हैं आपसे, क्या कुछ कहेंगे यूसीसी बिल को लेकर? आपने देखा होगा, आपने चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी, आज इसको पेश करने की पहली कोशिश जो है वो उत्तराखंड विधानसभा में। ये मैं तब से जानता हूँ जब इसकी शुरुआत हुई थी दशकों पहले और मैंने बहुत पसंद किया था। आमतौर पर सब छात्र ने पसंद किया था इस बिल को, इस प्रावधान को, और आज खुशी की बात है कि ये कहीं लागू कर दिया गया देश में और जगह भी अब धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ, आई डेंट रीड बिटवीन द लाइन्स, बट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है ये। महिलाओं को इसमें बराबरी का अधिकार मिलेगा। और एक चीज़ और, लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश के लिए ठीक नहीं था, हमारी संस्कृति के हिसाब से आ गया ठीक है, उसमें लड़के बहुत फ्री थे और लड़कियों के लिए भी समस्या, उनके पेरेंट्स के लिए समस्या, सबके लिए थी। तो अब जो उन्होंने उसमें बांधा है बच्चों को कि आपके पेरेंट्स को पूरी तरह से भिज्ञ होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरा, शादी की जो उम्र है उसे बढ़ाया गया है, बहुत सही है, स्वागत योग्य है, 21 साल कर दिए। सर भाजपा का एजेंडा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि विदेशों में भी कितने देश ऐसे हैं जिसमें कि मुस्लिम पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन या अन्य जातियां जो भारत में है वहां भी हैं, लेकिन वहां तो एक सामान्य कानून है, तो भारत में क्यों नहीं? केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन एक विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जो ऐसे वर्ग हैं जिनको कि इससे अपने कानून को लागू करने में दिक्कत होगी, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल फील करें। कानून एक हो, जैसे आपने बैकवर्ड क्लास के लिए किया है और शेड्यूल कास्ट के लिए उसको अलग कर दिया है कुछ चीजों के लिए, वैसे उन लोगों को भी थोड़ा अलग कर देना चाहिए। मेरी ये सोच है सर कि जो हम लोग चल रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको एक बहुमत मिले, उनको एक सम्मान मिले, तो उसी श्रेणी में जब ये किया गया कि पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं 18 साल की हो गई बेटी को ब्याह, बेटी ब्याह है तो पहले था बेटी बचाओ, अब ये बेटी ब्याह वाला जो है जब 18 से 21 साल की उम्र हो जाएगी तो उसमें उसको कुछ राहत मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा जरूरी था कि जो बच्चियां हैं बाहर जाती हैं, दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जाती